तो दोस्तों इसलिए हम बात करने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कोटक बैंक के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली ऑलमोस्ट 3% के अराउंड की एक बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट, और इसी के साथ काउंटर के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो एक शार्प ब्रेकडाउन और एक अच्छी खासी नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है वो हमें देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए किसकी, कोटक महिंद्रा बैंक की, तो फाइनली कोटक महिंद्रा बैंक ने आज जो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली है उसमें कंप्लीट रोल आज कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है वो अपना यहाँ पर फॉलो किया है, और जो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इसने कंट्रीब्यूशन भी कम्प्लीटली दिया है, ठीक है। क्योंकि वेटेप तो कोटक बैंक का भी यहाँ पर जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा है। अब लेवल्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी काउंटर 1950 1960 के अराउंड से रिजेक्शन लेकर नीचे आया था, तो तब से तो व्यू अपना यहाँ पर वैसे भी नेगेटिव ही था, एंड आज तो यहाँ पर जो है वो और भी गिरावट यहाँ पर हमें कोटक बैंक के काउंटर के अंदर देखने को मिल गई। अब यहाँ से फर्दर विजन क्या बनता है, तो कोटक बैंक अपने मेजर 1840 के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकल चुका है, दैट मीन्स व्यू इज़ नेगेटिव। अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे, नेक्स्ट सपोर्ट है 1760 पे, तो शायद से 1760 तक का भी हमें कोई सेल ऑफ देखने को मिल जाए।